अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें फंक्शन f(x) गिवन है और इसमें हमने क्या फाइंड आउट करनी है, कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है एट x = 2 पे एंड x = -2 पे। यानी एट x = 2 पे जब भी जो हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस हो तो हमने फंक्शन को प्रूव करना है और एट x = -2 पे भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो पहले हमने एट x = 2 पे इसकी कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस फंक्शन में क्या पहले देखना है कि कहां पे x = 2 है, x greater than 2 है और x less than 2 है। और जहां पे हमारे पास x less than greater या equal -2 है उसको हमने अभी स्किप करना है, वो हम जब x = -2 की कंटिन्यूटी देखेंगे तब हमने उसमें माइनस वाले को देखना है। अब हमारे पास इस फंक्शन में क्या है, x लेस देन और इक्वल टू -2 है तो इसको भी छोड़ दें। यहां पे हमारे पास x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 है तो हमें जस्ट लेस देन 2 वाला चाहिए, माइनस वाले को नहीं देखेंगे। और इसी तरह हमारे पास यहां पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो हमने इन दोनों फंक्शंस में से अब हमने जब हम डिस्कस कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे एट x = 2 पे तो हमने इन दोनों में रहना है जहां पे हमारे पास x = 2, x greater than 2 और x less than 2 है। तो अब हमने इन दोनों फंक्शंस को देखना है कि हम कौन-कौन सा फंक्शन ले सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कंटीन्यूअस फंक्शन की, कि हमारे पास जब फंक्शन है f(c) पे डिफाइंड होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास c क्या यूज हो रहा है, 2, यानी एट x = 2 पे। तो फर्स्ट कंडीशन f(2) फाइंड आउट करते हैं, एट x = 2 f(2) क्या बनेगा हमारे पास, f। अब हमारे पास यहां पे देखना है कि x = 2 कहां पे है, यहां पे x less than 2 है और less के नीचे equal का साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को तो हम नहीं ले सकते। उसके बाद इस फंक्शन पे आ जाएं, x greater than or equal to 2 है यानी यहां पे हमारे पास जो है x is equal to 2 है। x greater than or equal to 2 का क्या मतलब है कि हमारे पास x greater than 2 और x is equal to 2। तो x is equal to 2 यहां पे है तो हम ये फंक्शन लेंगे और ये फंक्शन क्या है, 3, तो f(2) क्या आ गया हमारे पास, 3। तो हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू आ गई तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, f(2) डिफाइंड। तो अब जो हमारे पास सेकंड इसकी कंडीशन है वो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या है कि हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है और फिर अगर वो दोनों इक्वल होंगी तो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू, यहां पे हमारे पास x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 को नेगेटिव साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट हम क्या करते हैं, जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जिस पे फाइंड करनी है उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। यहां पे f(x) लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस अब f(x). अब हमने देखना है कि इन दोनों फंक्शंस में से हम कौन सा फंक्शन यहां पे चूज करेंगे। तो मैंने बोला था कि हमारे पास लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन चूज करना होता है तो हमने देखना होता है कि x लेस कहां पे है, यानी जहां पे हमारे पास x लेस देन समथिंग होगा, यानी यहां पे हमारे पास 2 है तो जहां पे देखेंगे x लेस देन 2 है वो फंक्शन हमने यहां पे चूज कर लेना है। और इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट को ले रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन 2 कहां पे है, जहां पे हमारे पास x ग्रेटर देन 2 होगा वो हम फंक्शन यहां पे लेंगे। अब इस पे देखें कि हमारे पास x लेस देन 2 कहां पे है, x less than 2 यहां पे है तो इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन है, x2 -1, तो यहां पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, x2 -1। तो अब इसमें लिमिट पुट कर दें, लिमिट क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 -1 इज इक्वल टू 3। बस इसमें राइट हैंड लिमिट है वो फाइंड आउट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f(x) is equal to limit x approaches to 2 plus।
अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर देन 2 कहाँ पे है। जहां पे हमारे पास फंक्शन जो है वो x ग्रेटर देन 2 होगा वो हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन को चूज कर लेना है। जहां पे हमारे पास फंक्शन x लेस देन 2 होता है वहां पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन यूज करते हैं, और जहां पे हमारे पास x ग्रेटर देन होता है वहां पे हमने क्या करना होता है, वो राइट हैंड लिमिट में फंक्शन को चूज करना होता है। तो अब हमारे पास x ग्रेटर देन 2 कहां पे है, यहां पे, तो फंक्शन यहां पे क्या है 3, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, तो चाहे लिमिट में पुट कर लें कांस्टेंट फंक्शन है तो 3 ही रहेगा। तो अब जब हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट है वो इक्वल आ गई, तो अब जब हमारे पास है वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, यानी इसकी सेकंड कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। यहां पे हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एग्जिस्ट, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x क्या आ गई हमारे पास, यहां पर भी 3 है यहां पर भी 3, तो 3 हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब इसकी थर्ड कंडीशन रह गई, हमने फाइंड करना है कि इसकी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो अब इसमें फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास फंक्शनल वैल्यू होती है, ये फंक्शनल वैल्यू 3, और इसी तरह अब हमारे पास सेकंड में लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आई है 3। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शनल और लिमिटिंग वैल्यू यानी थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई, फुलफिल। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे इसकी थर्ड कंडीशन लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is equal to f of 2, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो एंड पे आपने लिख देना है सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 2। अब इसी तरह हमने इसकी क्या करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन यानी इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट x is equal to -2 पे। तो अब -2 के लिए इसको करते हैं, अब हमने इसमें क्या क्या देखना है कि हमारे पास x is equal to -2 कहां पे है, x greater than -2 कहां पे है, और x less than -2 कहां पे है। अब हमने इन तीनों चीजों को देखना है, पहले हमने जस्ट 2 के लिए देखा था, अब हम क्या करेंगे -2 के लिए देखेंगे। अब इसमें देखें कि -2 कहां कहां यूज हो रहा है, अब यहां पे हमारे पास क्या है x less than or equal to -2, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन यूज होगा क्योंकि ये -2 में है। और इसी तरह अब यहां पे हमारे पास क्या x greater than -2 less than 2, तो 2 वाला तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए -2 वाला, तो इसमें ये यूज होगा। और यहां पे हमारे पास क्या x greater than or equal to 2 है, तो 2 वाला हमें नहीं चाहिए, तो यहां पे क्रॉस आ जाएगा। ये क्रॉस मैंने इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इसमें किस तरह से फंक्शन चूज करने हैं, यानी जब -2 की बात हो रही है तो हमने x माइनस इन तीनों में से देखना है कि x इज इक्वल टू 2, x लेस देन 2 और माइनस और ग्रेटर देन 2, -2 कहां पे है, तो वो मैंने देखा और उन फंक्शंस को टिक कर दिया। जहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 है वो मैंने क्या किया, स्किप कर दिए, यानी उसको हम नहीं देखेंगे जब हम x इज इक्वल टू -2 पे डिसकंटिन्यूटी को चेक कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी नहीं कंटिन्यूटी। तो अब इसके कंटीन्यूअस फंक्शन की ये तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं, अगेन हमने वही स्टेप्स यूज करने हैं, वहां पे हमने यूज किया था x is equal to 2, अब हमने क्या लेना है x is equal to -2, तो यहां पे एड x is equal to -2 f of -2। तो जब हमने फंक्शनल वैल्यू को देखना होता है तो हमने देखना होता है कि x एग्जैक्ट इक्वल टू -2 कहां पे है। तो अब देखें कि हमारे पास x इज इक्वल टू -2 कहां पे यूज हो रहा है, यहां पे हमारे पास क्या है x लेस देन आर इक्वल टू -2, यानी इस फंक्शन के नीचे इसका क्या मतलब हुआ, x लेस देन -2 है और x क्या है लेस देन आर इक्वल टू -2, यानी x लेस देन भी 2 है
एक्स लेस देन बी माइनस टू है और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है। तो जब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इसमें यूज हो रहा है तो हमने ये फंक्शन ऐड करने हैं, तो यहां पे यूज कर लें 3x, हमने f ऑफ माइनस टू फाइंड करना था तो x की जगह माइनस टू पुट कर लिया, माइनस सिक्स। तो फंक्शनल वैल्यू जो है हमारे पास आ गई, वो एग्जिस्ट करती है माइनस सिक्स। अब इसी तरह हमने सेकंड कंडीशन को फुलफिल करवाना है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसके ऊपर माइनस का साइन लगा दें। इस तरह से f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस टू। अब हमने फंक्शन चूज करना है, फंक्शन मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने वो फंक्शन चूज करना होगा जहां पे हमारे पास x लेस हो। अब हमने इसमें क्या देखना है कि हमारे पास x लेस देन माइनस टू कहां पे है, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन यूज होगा। तो x लेस देन माइनस टू कहां पे है, x लेस देन आर इक्वल टू माइनस टू, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज कर लें 3x, 3x, तो इसमें लिमिट पुट कर लें, x जगह माइनस टू आ जाएगा और माइनस सिक्स इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हमने इसमें राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस टू, जब हमने राइट हैंड लिमिट को देखना होगा तो माइनस टू के ऊपर प्लस का साइन लगा दें। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस टू पॉजिटिव साइड से। अब राइट हैंड लिमिट पे हमने फंक्शन को चूज करना है, तो क्या देखना है, जहां पे x ग्रेटर देन माइनस टू हो, जहां पे हमारे पास x ग्रेटर होगा x ग्रेटर देन माइनस टू, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट में आएगा फंक्शन। x ग्रेटर देन माइनस टू यहां पे है तो ये फंक्शन यूज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पे लिमिट पुट कर ले माइनस टू, x की जगह पुट करना है तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन, टू टू सर फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास जो इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आई, यानी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो माइनस का सिक्स था और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आई हमारे पास थ्री। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हो तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यानी इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो भी फेल हो गई है। तो जब सेकंड कंडीशन फेल हो जाए तो हमें थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास यहां पे लिख लें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू माइनस टू, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसका सेकंड जो हमारे पास था कि x इज इक्वल टू माइनस टू पे भी हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, तो x इज इक्वल टू टू पे तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन रहा, लेकिन एट x इज इक्वल टू माइनस टू पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। उसकी रीजन क्या थी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी वो इक्वल नहीं आई, तो लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं हुई, तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं, तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड सी सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें कहा गया है कि जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, यानी यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी को प्रूव नहीं करना, ना ये चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें यहाँ पे ये कहा गया कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, सी। तो हमने अब जो पीछे क्वेश्चंस किए थे उसमें ये देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे और फिर इस कंडीशन को यूज करेंगे कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वहां से हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो अब
फर्स्ट हम यही करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे और यहां से लेफ्ट और राइट लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट यहां पे हमारे पास सी क्या यूज हो रहा है, सी यानी एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो लिमिट एक्स किसको अप्रोच करेगा, माइनस वन को। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस वन के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा माइनस का साइन लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट x approaches to minus 1 from negative side। तो left hand limit में मैंने क्या बोला था कि function को किस तरह से choose करना है, जहां पे हमारे पास function x less हो जाए कहीं किसी भी number से, यानी जहां पे हमारे पास 2 use हो रहा है वहां पे 2 यानी x less than 2 हो जाए, जहां पे minus 2 use हो रहा है वहां पे x less than minus 2 हो जाए, यहां पे minus 1 use हो रहा है तो हम यहां पे देखेंगे कि x less than minus 1 कहां पे है, तो उस function को हमने यहां पे choose करना है। तो यहाँ पे देखें x less than minus 1 कहाँ पे है, ये x greater than minus 1 है और ये है हमारे पास x less than or equal to minus 1, तो यानी इस फंक्शन को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, तो x plus 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास लिमिट पुट कर लें, लिमिट क्या है, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन, जब राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है तो इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन पॉजिटिव साइन। अब जब राइट हैंड लिमिट है तो हमने देखना है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन कहाँ पे है, जहां पे हमारे पास एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगा उस फंक्शन को हमने यहाँ पे चूज करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स लेस देन माइनस वन और राइट हैंड लिमिट में एक्स ग्रेटर देन माइनस, तो x greater than minus 1 कहाँ पे है, ये function, तो इसको choose कर लें c plus 2, तो इसमें चाहे मैं limit यहाँ पे x ही नहीं है तो हमारे पास limit put करने के बाद भी क्या रहेगा, c plus 2। तो अब हमारे पास left और right limit जो है वो equal नहीं है, लेकिन हमारे पास condition क्या थी कि limit exist करती है, तो जब हमारे पास limit exist करती है तो हम खुद से लिख लेंगे कि left hand limit is equal to right hand limit, तो इस कंडीशन को यूज करें, सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ये इस कंडीशन की वजह से जो हमें गिवन थी उसकी वजह से हमने कह दिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी 1 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या थी c प्लस 2, तो अब यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 2 को इस साइड पे ले जाए माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमने इसमें जस्ट यही फाइंड आउट करना था c की वैल्यू को और लिमिट एग्जिस्ट करती थी, तो हमने बस एक कंडीशन लगाई और हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।